नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, कभी ना करें इन सात लोगों पर शक, वरना कर बैठेंगे खुद का ही नुकसान। कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है, इसीलिए हमें अच्छी सोच रखने की बात कही जाती है। ग्रंथों में ऐसे सात लोगों के बारे में बताया गया है जिन पर यदि हम भरोसा ना रखें या जिनके काम पर शंका करें तो हमें सकारात्मक फल नहीं मिलते। ये सात लोग चाहे कितनी ही ईमानदारी से अपना काम क्यों ना करें, लेकिन हमें अपनी सोच के अनुसार ही फल मिलता है। नीति सार में बताया गया श्लोक, देवे तीर्थे दीजे मंत्रे द्रवे के भेषजे गुरु यादशी भावना यस सिद्धि भवती तादशी। कई बार कोई मनोकामना पूरी न होने पर भी हम भगवान पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो लोग देवी देवताओं में आस्था नहीं रखते हैं उन्हें अपनी सोच के मुताबिक ही फल मिलता है, इसीलिए भगवान के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गुरु, जो व्यक्ति अपने गुरु पर या उसकी दी गई शिक्षा पर विश्वास नहीं रखता उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु और उसके शिक्षा का पालन किया जाए तो जीवन में हर सफलता पाई जा सकती है। मंत्रों को देवी देवताओं के करीब पहुंचने के एक आसान तरीका माना जाता है। कई लोग घर वालों के दबाव में बिना मन से या मंत्रों में अविश्वास की भावना के साथ उनका उच्चारण करता है, उसे इनका सकारात्मक फल नहीं मिलता। तीर्थ, नकारात्मक भावनाओं के साथ तीर्थ यात्रा करने पर भी मनुष्य को उसका पुण्य नहीं मिलता है। यदि उस तीर्थ के प्रति मनुष्य की भावना अच्छी ना रहे तो पूरे विधि विधान से तीर्थ दर्शन करने पर भी उसका फल नहीं मिलता। चिकित्सक, कई बार लोगों के कहने पर या किसी भी अन्य कारण से कुछ डॉक्टरों या चिकित्सकों को लेकर हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसे में उस डॉक्टर से हम कितना भी इलाज करवा लें लेकिन हमें उसका कोई असर नहीं होता। ब्राह्मण, जो मनुष्य ज्ञानी लोगों या ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करता और उनके लिए अच्छी भावना नहीं रखता उसे कभी भी अपने पुण्य कर्मों का फल नहीं मिलता है, इसीलिए मनुष्य को कभी भी शेष और योग ब्राह्मणों की योग्यता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी, कई लोग किसी के कहने पर भरोसा ना होने पर भी ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। ऐसे में मनुष्य चाहे कितने ही उपाय कर ले उसकी परेशानी का हल नहीं निकलता है। मनुष्य जैसी भावना के साथ यह काम करता है उसी वैसा ही फल मिलता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।